हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबू ब्लॉग्स। और आज हमारे साथ है एक छोटी सी पर्शियन कैट, ये है हिमालयन पर्शियन कैट। कितना एज है इसकी, कितनी एज है? 3 इयर्स है। और वेट कितना है इसका? वेट अराउंड 2 kg है। तो ये आपकी कैट है या आप किसी रिलेटिव की? नहीं, मेरी बहन की कैट है। अच्छा अच्छा, ये कहाँ पे रहती है? ये सऊदी अरेबिया में रहती है। और क्या इन्होंने उसको वहाँ से लिए थे क्या? वहीं से लिए थे, अभी ये 2 दिन हो गए यहाँ पे आई है। नॉर्मल पर्शियन से इसका अलग है, फेस वगैरह का स्ट्रक्चर जो अलग है, नॉर्मल जो पर्शियन इंडिया में सॉफ्ट फेस का स्किन वगैरह। इसका पंच फेस है ना? पंच फेस है, हिमालयन पर्शियन है। ज्यादा फरी है ये, बहुत फरी है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है इसका थोड़ा, ये इसका वेट भी बहुत था ये, लेकिन हीट में जा रही है। अच्छा, थोड़ी अच्छा। इसलिए इसका वेट बहुत कम हो गया, खाना पीना छोड़ दिया। कितना वेट है इसका अभी? इसका 2 kg है, पहले 3 kg, 3.5 kg था। अच्छा, इतना रिड्यूस हो गया। हाँ, तो उसको अभी थोड़ा, उसको हम न्यूटर करेंगे, नहीं तो ब्रीड कराना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। दोनों में से। और क्या इसको खाने में क्या देते हैं? ये कैट फूड खाती है, वो टिन कैन जो रहता है चिकन का, उनका वेट फूड वो खाती है। कोई पर्टिकुलर ब्रांड? ये वही रॉयल कैनिन का खाती है। अच्छा अच्छा। और इसको क्या वैक्सीनेशन वगैरह देते हैं क्या? हाँ, वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है इसका, वैक्सीनेशन सब हो चुका है। 1 ईयर के अंदर वैक्सीनेशन देना होता है पूरा, तो सब अच्छा, हो चुका अच्छा, है अच्छा। और कुछ मेंटेनेंस में क्या करना पड़ता है इसका? ग्रूमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है? ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ग्रूमिंग ही है इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में 3 से 4 बार करना पड़ता है, नहीं तो बहुत बाल झड़ते हैं इसके, नहीं तो बाल कटवा दो। ब्रशिंग करना पड़ता है, ब्रशिंग, लेकिन बाल शेड बहुत करती है, शेड होता है। और इसको नहलाते कितने दिन में एक बार? नहलाते बहुत कम है इसका, अगर नहलाएंगे तो बाल गिरता है, तो ऑलमोस्ट 1 महीना या उससे ज़्यादा, 1-1.5 महीने में एक बार नहलाता है। अच्छा, ये बहुत प्यारी बिल्ली है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये जो हिमालयन पर्शियन था, इसमें और कलर्स भी आते होंगे? हाँ, इसमें ग्रे कलर भी आता है, और सो ब्रीडर के ऊपर है। करेक्ट। तो इसको इन्होंने कहाँ से खरीदे थे या अडॉप्ट किए थे, क्या किए थे? नहीं नहीं, इसको खरीदा गया था पेट शॉप से, जब ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स की थी। सऊदी अरब से ही खरीदे थे? हाँ, सऊदी अरब से ही खरीदा था इसको। और क्या प्राइस थी इसकी जब लिए थे? इसको हम लोग ने 25,000 में लिया था। 25,000 इंडियन रुपीज़। अब वहाँ पर रियाल में लिया था, ऑलमोस्ट 25,000 इंडियन रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 25,000। ओके, तो इसको अभी ये लोग इंडिया लेके आए हैं, तो कैसे लेके आए इसको? फ्लाइट? हाँ, फ्लाइट ही लाए उसका, बहुत पेपर वर्क बहुत था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इसको लेके आने में। अच्छा, फर्स्ट टाइम था इसलिए, उसका पासपोर्ट वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, फिर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होने के बाद यहाँ पे इंडिया में भी उसको NOC लगता है यहाँ पे इंडिया से। अच्छा, वहाँ पे वो भी हम लोग एजेंट के थ्रू जा रहे थे, तो वो 18,000 बोल रहा था सिर्फ इसके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, NOC के लिए। फिर हम लोग ने ऑनलाइन जब ढूंढा तो मिल गया हमको उसका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है हेड, उसका ईमेल आईडी मिला, तो उसके थ्रू हम लोग को फ्री में ऑलमोस्ट हो गया। हम लोग ने उसने हमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजा, फॉर्म्स वगैरह, तो इंडिया से जो आपको NOC है वो फ्री में आपको ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट फ्री में। नहीं, उसके फी भरना पड़ा, लेकिन एजेंट की फी बच गई, एजेंट का जो कमीशन वगैरह था वो बच गया पूरा। और इसका पासपोर्ट सब वहीं पे बन गया? हाँ, पासपोर्ट सब वहीं पे बन गया। तो क्योंकि जो इसके ओनर्स है वो इंडियन नेशनल है, तो इंडियन एम्बेसी में ही बना वहाँ पे पासपोर्ट? हाँ, सब इंडियन एम्बेसी में बना। ओके, वेरी नाइस। और मेडिकल कुछ हेल्थ चेकअप वगैरह इसका किया गया क्या वहाँ पे? हाँ, इसको क्वारंटीन वगैरह सब, और इसको माइक्रोचिप वगैरह देते हैं, ऊपर लगाते हैं यहाँ पे ये साइड में, ताकि जो पेट है वो उस लोग स्कैन करने के बाद मालूम पड़ता है इसका ओनर वगैरह सब कुछ मैच होना चाहिए। और जो मतलब जिसका पासवर्ड बना है एग्जैक्टली वही जो वही है उसका, वो जा रहा है ट्रैक, ओनर का नाम वगैरह उसका, फिर एक नंबर भी होता है उसका ट्रैकिंग नंबर, वो सब मैच होना चाहिए, फिर ही पेट लेके जा सकते हैं। फिर इंडिया में आने के बाद भी उसका क्वारंटीन चेकअप होता है एयरपोर्ट पे। ठीक है, मतलब इंसान से ज्यादा एनिमल के लिए लॉज इन्होंने बनाए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। सही बात है, फर्स्ट टाइम के लिए। प्यारी दिख रही है बिल्ली है, ये फीमेल है राइट? फीमेल है। तो मेल जो होता है इससे थोड़ा बड़ा होता होगा? बड़ा होता है उसका, ये सब बहुत बड़ा रहता है, हेड और नेक जो है उसका ब्रॉड रहता है। अभी मुझे इसके टॉयलेट हैबिट्स के बारे में बताइए, क्या पॉटी ट्रेंड है ये? हाँ, नहीं, हाँ, ये सैंड में करती है, उसका जो सैंड है उसमें ही करती है, लेकिन ये पॉटी ट्रेंड है मतलब घर में कहीं नहीं? नहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं करती पॉटी। तो सैंड कौन सा सैंड होता है, कुछ स्पेशल सैंड है? हाँ, उसका सैंड जो आता है हम लोग, वो थॉमस करके ब्रांड है, यहाँ पे नहीं मिलता, वो वहीं पे मिलता, वो यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो ये रहता है वो स्मेल वगैरह नहीं छोड़ता है,
ओके ओके, तो सैंड को थोड़े दिन में चेंज करना पड़ता है। हाँ चेंज, वो जैसे ही करेगी तो वो थिक हो जाता है उतना एरिया, तो ओके, वो वो अब्जॉर्ब कर लेता है, उसका हाँ मॉइस्चर एब्जॉर्ब वगैरह सब कर अब्जॉर्ब लेता कर है, तो वो लेता है। फेंक देते हैं। 1 महीना चलता है उसका, 5 kg का जो बैग रहता है वो अच्छा अच्छा ऑलमोस्ट। अच्छा तो रोशन, जैसे आप बता रहे थे कि हीट में जाने से इसका वेट जो है बहुत गिर गया, ऑलमोस्ट 1 kg जो है गिर गया, तो हाँ मतलब क्या है इसमें, क्या वजह है ऐसी होने की? इसका एक बार अगर ये 6 मंथ्स के बाद, 9 मंथ्स के बाद ये लोग हीट में जाना चालू होते हैं, उनको ब्रीडिंग कराना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप अगर नहीं कराते तो ओके ये ऑलमोस्ट 3 या 6 मंथ्स के अंदर एक बार हीट में जाती है। अच्छा अच्छा इसको हम लोग ने नहीं करा ब्रीडिंग और न्यूटर भी नहीं किया, तो वो दिन कम होते गए, मतलब ये अभी हर महीने हीट में जाने लगी, ओके ओके और अभी उसके बाद हर वीक में जाती थी हीट में। ओके तो फिर हम लोग ने फिर उसको थोड़ा मेडिकेशन वगैरह चालू किया, डॉक्टर को वगैरह बताया, तो डॉक्टर ने वही सजेस्ट किया उसको न्यूटर करो, ओके नहीं तो उसको ब्रीड कराओ। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अच्छा, तो आप लोग अभी क्या करने वाले हो, मतलब तो न्यूटर या ब्रीडिंग? अभी सोच रहे हैं ओके जो भी हो है ये महीने में करेंगे। हाँ सकता है आप न्यूटर करो या शायद ब्रीडिंग करवाओ इसकी। ज़्यादा करके हम लोग सोच रहे हैं कि न्यूटर ही करेंगे उसको, ओके ओके या फिर एक बार ब्रीडिंग करके फिर न्यूटर कर देंगे। ओके नहीं है, काफ़ी प्यारी है बिल्ली, 3 इयर्स की आप बता रहे थे, राइट? 3 years ऑलमोस्ट। ओके, और प्लेन में जो लेके आते हैं तो इसको मतलब कार्गो में डाला जाता है या अपने साथ नहीं ही नहीं बिठाया जाता साथ है? में बिठाते हैं। ओके वहाँ पे भी उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा था, इसको कोई फ्लाइट वाला ये नहीं कर रहा था, अलाउ नहीं कर रहा था, और जो भी अलाउ कर ओके रहे ओके थे वो कार्गो में बोलते लेके आने का, और उन लोग ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि अगर इसको कुछ हो गया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके ओके इसकी। ओके ओके तो हम लोग ने फिर इसको सऊदी एयरलाइंस जो है वो अलाउ करता है आपको साथ में लेके जाने का, और फ़ी जी, भी उसकी कम है 70 दिरहम से, और दूसरे एयरलाइंस मतलब वाले इसका जो टिकट आप बोल टिकट, रहे हाँ, हो और सिर्फ 70 दिरहम्स दूसरे है, रियाल 70 रियाल है, 70 रियाल है। ओके और दूसरे फ्लाइट्स वाले ऑलमोस्ट अपने से डबल थी उसमें टिकट उनकी इसकी, ओके ओके 2000 रियाल ऐसी, और वो भी बाप रे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो लोग। अच्छा, तो सिर्फ तो 70 रियाल्स में जो है इसका एयर टिकट एयर हो गया, टिकट आ काफ़ी गया। मतलब चीप हाँ, है, लेकिन इसका पेपर्स में बहुत पैसे के, पेपर्स में काफ़ी पैसे के, मतलब पेपर्स में 17 रियाल मतलब ऑलमोस्ट फोर्टीन सेवेंटी हंड्रेड रुपीज़ जो है सेवेंटी वो, रियाल्स हाँ 70 रियाल मतलब ऑलमोस्ट 1400 इंडियन रुपीज़ हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सही। बट पेपर बनाने में काफ़ी पेपर पैसे के, में 15-20 हज़ार रुपये चले गए बट उनके, वो वन टाइम था। वन टाइम था। हाँ ऑलमोस्ट वन। अभी जैसे ये चिप वगैरह का पैसा वगैरह सब अभी अगली बार नहीं होगा अगर हम नहीं लेके आ होगा गए, आपको, सिर्फ पेपर्स कम हो गए। ओके इसका पासपोर्ट भी बन चुका है, हाँ सब बन चुका है, तो सिर्फ इसको ऑलमोस्ट लेके हाफ आना है, हाफ में हो जाएगा अभी नेक्स्ट टाइम लेके एयरलाइन का आने जो भी खैर। पैसा रहेगा वो आपको सिर्फ देना पड़ेगा अगर इंडिया और जा रहे हो। एनओसी हर बार लगेगा लेकिन। ओके मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास ये जो बिल्ली है आपके कजिन के पास, वो सऊदी में रहते हैं, तो जब वो इंडिया आते हैं तो उसको लेके आना क्या ज़रूरी है यहाँ पे? क्या वो लोग उसको सऊदी अरेबिया में मतलब रख के नहीं आ सकते? क्या वजह है कि वो लोग इतना एक्सपेंडिचर करके, इतना स्पेंड करके उन्होंने इंडिया लेके आए इसको? उसको वहाँ पे पहले रखते थे लेकिन वहाँ पे एक्चुअली कोई हम लोग को मिल रहा नहीं था ये बार ओके रखने वाला संभालने वाला, और एक फैमिली थी जो रखती थी वो भी पाकिस्तानी फैमिली थी, वो अभी उनकी कंट्री गई है, तो कोई और नहीं था। और पेट ओके शॉप में पूछा था तो अराउंड 100 रियाल्स था वन डे ओके का ओके संभालने का, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया उसका। ओके 100 रियाल्स ऑलमोस्ट टू थाउजेंड ऑलमोस्ट रुपीज़ टू ऑलमोस्ट टू थाउजेंड थाउजेंड रुपीज़ हो रुपीज़ गया एक दिन का, और हम लोग राइट, यहाँ पे टू टू मंथ्स वगैरह के लिए आए वो कज़िन मेरे। अच्छा, तो इसीलिए वो लोग, उन्होंने हाँ एक बार एक्सपेंडिचर कर लिया, हाँ अभी एवरी टाइम तो इतना नहीं करना पड़ेगा। बराबर। और कुछ खास बात बताइए इसके बारे में, कोई है इंसेक्ट्स को पकड़ती है या सिर्फ सोफे पे आराम करती नहीं, है? खेलती है इंसेक्ट्स के साथ और आधा पूरा दिन ऑलमोस्ट सोती रहती है, और उठेगी तो बहुत खेलती है। ओके, और इसको किस टाइप के मतलब क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल है? क्या इंडियन क्लाइमेट और ऐसा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट सूटेबल नहीं, है? जब से यहाँ पे आई है ना तब से ये ऊपर तो बैठी नहीं है कोई बेड वगैरह पे या सोफे वगैरह पे, ये नीचे ही ओके घूमती रहती है क्योंकि इसको इतना गर्म हो रहा है यहाँ पे, उसको एसी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि उसका फर बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक तो करेक्ट उसको करेक्ट कटवा दो पूरा फर को, करेक्ट यही या फिर एसी में रखो उसको, क्योंकि उसको खुद को बर्दाश्त नहीं हो रहा, करेक्ट, मतलब बहुत गर्मी गर्मी उसको होती है जो है उसको। सहन नहीं होती है, हाँ उसको एसी में रखने वाली बिल्ली है ये। हाँ नहीं तो फर कम करवा दो उसका, दोनों में से। ओके तो रोशन भाई, ये जो आपकी बिल्ली है इसका क्या नाम है? इसका नाम है मोमो। मोमो रखा है आपने इसका नाम, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी बिल्ली है, बहुत ही अच्छी बिल्ली है आपकी, हिमालयन पर्शियन कैट विथ पंच फेस, और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और थैंक यू सो मच आपका वक्त निकालने के लिए। ये मेरे दोस्त है रोशन, जो एक कैट लवर है, बहुत ही ज़्यादा इनको बिल्लियों से प्यार है और अच्छी खासी नॉलेज भी रखते हैं कैट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं कुछ होंगे अगर तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।